Assalamualaikum, welcome to Pakistan Science Club. मैं हूँ मोहम्मद खुज़ैमा और मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया सा प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लिक्विड की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी वो है स्मॉल टेस्ट ट्यूब विथ कैप, नट्स, स्केल, पेन, पेपर टेप। सबसे पहले मैं इसमें 7 नट्स डालूंगा। मैंने इसके अंदर 7 नट्स डाल दिए। अब मैं इसका कैप टाइट कर दूंगा। उसके बाद मैं पेपर टेप और स्केल लेके पेपर टेप को 5 सेंटीमीटर का कट कर दूंगा। इसके बाद मैंने इस सेंटीमीटर के लाइंस लगा देंगी इस पे 2 सेंटीमीटर तक। मैंने स्मॉल टेस्ट ट्यूब के ऊपर स्कॉच टेप चढ़ा दिया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। अब हम अपने हाइड्रोमीटर को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए होगा और सॉल्ट वाटर। अब हम इसको पहले फ्रेश वाटर में डालते हैं तो देखते हैं इसकी रीडिंग क्या होती है। फ्रेश वाटर में इसकी रीडिंग होती है 0.0 और जब मैं इसको सॉल्ट वाटर में डालता हूँ इसकी रीडिंग होगी इट्स अबाउट 1 के करीब इसकी रीडिंग होगी। जब हम फ्रेश वाटर में नमक डालते हैं तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ने की वजह से उछाल की कुव्वत यानी बायंसी भी बढ़ जाती है। बायंसी के बढ़ने की वजह से तो इसकी रीडिंग हो जाती है 1। हाइड्रोमीटर की मदद से हम मुख्तलिफ लिक्विड्स की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान साइंस क्लब के पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।